हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं सोयाबीन बड़ी और बेसन की नई रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सोयाबीन को फुला लिया है। इसमें 100 ग्राम सोयाबीन है और ये सारी फूल चुकी है। इनका पानी निकाल के रख लेते हैं ऐसे करके। सारे सभी का तो आप देख सकते हैं, मैंने इनका पानी निकाल लिया है। अब इसको इसी में हम पलट लेते हैं दोबारा से, और इसमें थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा अभी हमें, वो कर लेते हैं सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं, इनको लमसम हमने थोड़ी थोड़ी करके तोड़ लिया है, बारीक कर लिया है। तो अभी हम इस पे बेसन नहीं ऐड कर रहे हैं, इसका पहले हम घोल बनाते हैं। तो घोल बनाने के लिए इस पे सबसे पहले हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं इस पे, जैसे कि नमक है। तो बेसन में सबसे पहले हम नमक ऐड कर देते हैं स्वादानुसार, और इसी में हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देते हैं, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं, और थोड़ी सी धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं इसी पे। और इसी में अब पानी ऐड कर देना है, क्योंकि इसका बनाना है हमें पेस्ट। पेस्ट बना लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ये रेसिपी हमारी बिल्कुल झटपट वाली है। वैसे आपने ऐसा नहीं बनाया होगा, बट इसको हमने खुद से ट्राई किया है कई बार, तो सोचा कि आज वीडियो बना के डाल देते हैं, ताकि इसे सभी लोग बनाएं और खाएं। तो ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है, नमक भी डाल दिया है, सब कुछ डाल दिया है, देख सकते हैं। इतना थिक करना है, ज़्यादा पतला नहीं करना इसको। तो आप देख सकते हैं, इसी घोल में मैंने ये सोयाबीन सारी ऐड कर दिया है। अब इसकी निकालेंगे हम पकौड़ी। तो आप देख सकते हैं, सोयाबीन को मैंने इसी बेसन पे ऐड कर दिया है और मिला लिया है सही से। अब इसकी हम निकालेंगे पकौड़ी। तो आप देख सकते हैं, कढ़ाई पे हमने ले लिया है तेल, और तेल हमारा हो रहा है गरम। तो बस शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं, इसको हमने इस तरह से गोला टाइप में बना लिया है, और बस अब कढ़ाई पे एक एक करके डाल देंगे इस पे। और बस अब इनको ऐसे करके पलटा देंगे। और आप देख सकते हैं, ये सब हमारी पकौड़ी पक चुकी हैं। तो बस इनको एक एक करके निकाल लेंगे। इसको निकाल लेते हैं, देख सकते हैं कितनी बेहतरीन लग रही है ये पकौड़ी। आप देख सकते हैं, ये भी हमारी पक चुकी हैं। अब इनको भी निकाल लेते हैं, ये भी पक चुके हैं। तो ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो फिर ये जल जाएंगी। इनको भी निकाल लेते हैं। सारी एक एक करके निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, तेल हमारा दोबारा से गर्म हो चुका है, और बस अब इस पे डाल देना हमें जीरा। और
अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट जो हमने बनाया है उसे भी डाल देते हैं। देख सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा पक चुका है, तो अब इस पे बारी है प्याज ऐड कर देते हैं। प्याज प्याज को हमने बारीक काट लिया है, दो प्याज है हमारी बारीक से काट लिया है। चला लेते हैं और प्याज को थोड़ा ब्राउन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको हमने ब्राउन कर लिया है और बस अब यहीं पे ऐड कर देना है हमें। दो बड़े टमाटर काट लिया हमने, इसको भी चला देते हैं। टमाटर को पका लेते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से और साथ में डाल देना है अब नमक स्वाद अनुसार। इसको चला देते हैं ताकि टमाटर हमारे थोड़े जल्दी गल जाएंगे और लो फ्लेम पे ही पकाना है। और बस अब इनको बीच में चला देना है ताकि लगे ना। और इस रेसिपी को एक बार आप जरूर ट्राई करना। सब्जी हमारी काफी अच्छी बनने वाली है आज की। तो आप देख रहे हैं टमाटर हमारे पक रहे हैं, तब तक हम मसाले बना लेते हैं। तो मसाला निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे लिए हैं लाल मिर्च, धनिया पाउडर 2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच और एक चम्मच डाल देते हैं इस पे जीरा पाउडर, जिससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा। और इस पे अब पानी ऐड कर देना है और बस इसका घोल बना लेते हैं। ताकि मसाला हमारे सारे फूल जाए इसी पे। कि हम ज़्यादातर सब्जियों में डायरेक्ट मसाला डालते हैं तो मसाला हमारा फूलता नहीं है, जिससे सब्जी हमारी कम अच्छी बन पाती है। तो इसलिए हम मसालों को अपने स्टाइल से बनाते हैं ऐसे फुला के। तो हमारे मसाले सारे मिक्स हो गए हैं, अब इनको फुला लेते हैं, ये फूलने देते हैं। और आप देख सकते हैं टमाटर हमारे सारे पक चुके हैं, तेल ऊपर आ गया है। सारे एकदम बेहतरीन तरीके से पक चुके हैं, देख सकते हैं आप। तो अब इस पे ऐड कर देते हैं हम ये मसाले और अब इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। हाई फ्लेम पे मत करना, क्योंकि मसाले कभी भी पकाना तो मीडियम फ्लेम पे ही पकाना, जिससे खुशबू काफ़ी अच्छी आती है। और इसको चला देते हैं। तो अब बस मीडियम फ्लेम पे इसको पकाते हैं 2 मिनट। तो देख सकते हैं मसाले हमारे पक चुके हैं लमसम। तो आप देख सकते हैं मसाले हमारे सारे पक चुके हैं, कलर देख सकते हैं कितना बेहतरीन आया है। और बस अब इसी पे ऐड कर देना है हमें ये पकौड़ी। तो इनको अब बस ऐड कर देना है, हम इसी पे ऐड कर देते हैं ये पकौड़ी और इसको चला देते हैं ताकि
पकौड़ी में अंदर तक मसाला पहुंच जाए पूरी तरह से। तो जो हमारी सोयाबीन है, ये न लगे कि ये सोयाबीन है। दो मिनट और पका लेते हैं इनको लो फ्लेम पे, और बस इसमें पानी ऐड कर देते हैं जितना आपको ग्रेवी बनानी हो। तो मैंने इस पे आधा गिलास पानी ऐड किया है क्योंकि हमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनानी। और बस इसको इसी में पका लेते हैं। आप देख सकते हैं, तो बस अब इनको लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट पका लेते हैं ढककर। तो आप देख सकते हैं बीच में इसको एक बार और चला देते हैं सही तरीके से ताकि नीचे लगे ना। और बस 2 मिनट में इसको उतार लेना है। और अब इसी पे ऐड कर देते हैं धनिया। धनिया थोड़ा ज़्यादा सा डालेंगे। और बस अब इसको उतार के रख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सब्जी हमारी कितनी बेहतरीन बनी हुई है, बिल्कुल लजीज। तो इस रेसिपी को ज़रूर एक बार आप ट्राई करें घर में, काफ़ी अच्छी बनती है खाने में, बिल्कुल टेस्ट बिल्कुल बेहतरीन होता है क्योंकि इस पे सोयाबीन होता है और बेसन भी होता है, तो टेस्ट काफ़ी अच्छा बनेगा। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, दोस्तों में शेयर करना और ख़ुद बना के खाना इसको। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।